प्यारे बच्चों, कैसे हो? इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, यदि आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में सीवी वाला क्वेश्चन आता है, सीवी लेटर लिखो, जॉब एप्लीकेशन लिखो, रिज्यूम अथवा बायोडाटा लिखो, तो आप मुश्किल में पड़ जाते हो। इसको कैसे संभालें? क्यों? अजीब सा फॉर्मेट है, बड़ा सा लिखा जाता है, कम से कम 1-2.5 पेज का। तो देखिए, जब तक आपके इंग्लिश वाले सर मौजूद हैं, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम सीवी को आपके लिए बिल्कुल सरल बना देंगे। इसका फॉर्मेट क्या है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, सब कुछ फिक्स बता दूंगा, फिक्स फॉर्मेट, फिक्स वर्ड। आपको बस क्वेश्चन उठाना है, क्वेश्चन कैसा भी आए उसमें से दो चीज लेनी है, आपका सीवी रेडी हो जाएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर आपके सिलेबस में लेटर, जैसे लेटर कई तरह के हैं, लेटर टू एडिटर है, ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर है, और सीवी लेटर है, तो मैं तो कहता हूं आप सीवी वाला करो। क्यों? बहुत बड़ा लिखा जाता है, कम से कम 2 पेज कवर होते हैं, और बताऊं ये सबसे सरल है, इससे आप बेवजह डरते हो। तो चलिए इसको सरल करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लें, सीवी का मतलब क्या होता है। सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटे। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आपका शैक्षणिक पाठ्यक्रम, आपका बायोडाटा, आपकी जीवनी। ठीक है, रिज्यूम और बायोडाटा और सीवी में क्या अंतर है? बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपको इस अंतर पर नहीं जाना है। देखिए, बायोडाटा का मतलब होता है ज़्यादातर हम फैमिली के बारे में कुछ बताएं, मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, मैं कौन हूँ, मेरे फादर कौन है, मैं क्या करता हूँ, फादर क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, क्या जॉब है, इस तरह की बात है। ठीक है, रिज्यूम और सीवी लगभग एक जैसे हैं, सीवी थोड़ा बड़ा होता है, रिज्यूम थोड़ा शॉर्ट होता है। अच्छा, ये क्यों लिखे जाते हैं? देखिए, किसी कंपनी को, किसी डिपार्टमेंट को, किसी पोस्ट के लिए, पद के लिए किसी आदमी की आवश्यकता, मतलब उसको जॉब देना है, तो क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे, विज्ञापन निकाल देंगे। उस विज्ञापन के संदर्भ में, उसके जवाब में आपको नौकरी चाहिए, तो आप कंपनी को जो चीज़ भेजते हो ना, वो सीवी होता है। सीवी का मतलब है आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन ध्यान रखना, हाँ, जो लोग इसको केवल सीवी के लिए देख रहे हो, सीवी सेकंड पार्ट में आएगा, लेकिन मैं इसको बोर्ड के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 12th class 11th class कॉलेज में, जहाँ भी जिनके एग्जाम में ये आता है उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। लेकिन यदि ऐसे लोग जो सिर्फ सीवी को पढ़ना चाहते हैं, सीवी बनाना सीखना चाहते हैं, उनके लिए सीवी थोड़ा बाद में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दो चीज़ आती हैं। जैसे देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ आपको, यू आर रोहित, तुम रोहित हो, फ्रॉम जयपुर, जयपुर से। तो देखो, यहाँ से हमने दो सूचनाएँ ले ली, आपका नाम रोहित हो गया, तो आपको इसमें रोहित ही लिखना पड़ेगा, और एड्रेस आपको जयपुर का देना पड़ेगा। राइट, लिखिए अ जॉब एप्लीकेशन, एक जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी, अब दो चीज हो गई, तो इसलिए सीवी थोड़ा टफ पड़ जाता है। ये 2 पार्ट में होता है, आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है पहले, वो खत्म हो जाएगा, फिर सीवी लिखना है। सीवी ऐसी चीज है जो बिल्कुल फिक्स है, यानी आज के बाद सीवी आपको कठिन लगेगा ही नहीं। और जॉब एप्लीकेशन जो है ना, उसकी भाषा आपको थोड़ी सी कठिन लगती है, लेकिन मेरे पास सरल शब्दों में फिक्स फॉर्मेट है, बस 2-3 लाइन आप रट लो, आपका काम हो जाएगा, सीवी कैसा भी आए। अच्छा, कैसा भी आए मतलब क्या हुआ? अरे, क्वेश्चन में से बस दो चीज उठानी है, क्या उठानी है अभी बताऊंगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, यू आर रोहित, तुम रोहित हो, फ्रॉम जयपुर, जयपुर से। राइट अ जॉब एप्लीकेशन, एक जॉब एप्लीकेशन लिखो एंड सीवी लिखो। अब सीवी के स्थान पर वो रिज्यूम भी दे सकता है, बायोडाटा भी दे सकता है, बट मोस्ट ऑफ सीवी देता है। ठीक है, अगर वो आप कहो मैं तो सीवी तैयार करके गया हूँ, अगर रिज्यूम शब्द आ जाए ना, तो भी वही चीज़ लिख के आनी है, बायोडाटा आ जाए तो भी वही चीज़ लिख के आनी है जो मैं आपको फिक्स बताऊँगा। तो देखिए, एक तो इसमें जॉब एप्लीकेशन लिखना है, उसके बाद एक सीवी लिखना है। टू द, किसको लिखना है? टू के बाद द डायरेक्टर, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि यही वो काम की चीज़ है जो आपको इसमें से उठानी है। डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर, एक तो हमको क्वेश्चन में से ये लेना है, मतलब कौन लेना है, किसको लिखा जाना है। दूसरा, फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर के पद के लिए, बस ये दो चीज उठा ली, अब आराम से अपना सीवी लिख जाएगा। तो मैं अपना काम शुरू कर देता हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा जॉब एप्लीकेशन। एक एक बात को दिमाग में डाल लेना, आप इसको नोट कर लेना, फिक्स फॉर्मेट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छा मैं लिखूंगा, आप देखोगे वीडियो में टाइम लगेगा, मैं वीडियो को पॉज करके फटाफट से जॉब एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, आप उसके फॉर्मेट को नोट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट में ये सब हटा दूंगा, क्योंकि सीवी थोड़ा बड़ा होता है, ऊपर से शुरू करूंगा, नीचे तक सीवी आपका आ जाएगा, आप उसको भी नोट कर लेना। ठीक है, हाँ, शक संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को सिखाया, उन्होंने अपना काम चलाया, आप भी अपना काम चला लेना, क्योंकि फिक्स फॉर्मेट है। ठीक है, अब मैं काम शुरू करता हूँ। तो लो भाई, ये आपका आधा काम तो हो गया। जैसा मैंने आपको बताया था, सीवी वाला क्वेश्चन 2 पार्ट में लिखा जाएगा। सबसे पहले आप जॉब एप्लीकेशन लिखोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, तुम रोहित हो जयपुर से, तो एक जॉब एप्लीकेशन लिखो। तो आप कहोगे एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब लेटर होता है, जैसे आप लेटर लिखते हो ना, लेटर का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको ये जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। लेटर में हम जो चीज़ जहाँ लिखते हैं वहीं पे इसमें लिखनी है। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको एक एड्रेस लिखना है, तो पेज के राइट साइड में आपको एड्रेस लिखना है। अब कहाँ का लिखना है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यू आर रोहित फ्रॉम जयपुर,
तुम रोहित हो जयपुर से, तो तुम्हारा एड्रेस कहाँ का होना चाहिए, जयपुर का होना चाहिए। यू आर रोहित फ्रॉम जबलपुर, तो फिर जबलपुर का होना चाहिए। जो भी शहर दिया हो उसी शहर का कोई एड्रेस लिखो, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो किसी भी शहर का लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिखा 102 बनी पार्क जयपुर, एड्रेस आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसी शहर का मेंशन करो, हाँ पूरा एड्रेस दिया होता तो वही एड्रेस लिख देते, कुछ नहीं दिया तो अपने मन से कोई भी एड्रेस लिखो। उसके बाद में डेट लिखो, जैसे 30 मार्च 2022। अब ये आप पेपर की डेट भी लिख सकते हो। उसके बाद में मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने लाइन नहीं छोड़ी, आपको यहाँ पर डेट के बाद एक लाइन छोड़नी है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन में से, प्रश्न में से दो ही चीज लेनी है। एक तो मैं इसको हटा दूं, कहीं आप समझो कि जॉब एप्लीकेशन लेना है, अंडरलाइन कर दिया, नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। आपके प्रश्न में से दो चीज लेनी है, एक तो सीवी किसको लिखा जाना है, तो देखिए किसको लिखा जाना है ये आपको काम मिलेगा। यू आर रोहित फ्रॉम जयपुर, राइट ए जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी टू, टू मतलब के लिए, किसके लिए, द डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर, जो मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है, ये उस अधिकारी का नाम और पद है जो आपको यहां लिखना है। जैसे कि हम लेटर में लिखते हैं ना द चेयरमैन द कलेक्टर, उसी तरह से इसको यहां पे ले लो। अब पूरा एक लाइन मत लेना, सबसे पहले तो उसका पद, पद क्या है, पोस्ट क्या है, द डायरेक्टर। उसके बाद उसका डिपार्टमेंट क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर। ठीक है, अब यहां पे जो भी पोस्ट आए वो आपको यहां पे लिखनी है। सपोज करो किसी कंपनी में मैनेजर को लिख रहे हो तो यहां पे आएगा द मैनेजर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जबलपुर, ऐसे कोई कंपनी है तो यहां पे लिखोगे आप द मैनेजर, उसके बाद में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड उस कंपनी का नाम और वो कंपनी जहां स्थित है उस शहर का नाम। माना आप एक मेल नर्स के लिए आपको आया तो यहां पे तो द सुपरिटेंडेंट एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। ठीक है, जो भी अधिकारी आए उसका पोस्ट और उसका डिपार्टमेंट, ये आपको क्वेश्चन में से ले लेना है। उसके बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपको फिक्स लाइन है, जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ, ये फिक्स लाइन है। कहां तक, जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ, पद के लिए, किस पद के लिए, एन इंग्लिश टीचर, मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये कहां से लेना है आपको, ये रहा ना फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट है ना, पोस्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ मिल गया। उसके बाद में एन इंग्लिश टीचर, ये आपको क्वेश्चन में से लेना है। तो आपको क्वेश्चन में से दो चीज लेनी है, किसको लिखा जाना है, दोनों को मैं यहां पे ब्रैकेट में कर देता हूं, किसको लिखा जाना है और किस पद के लिए लिखा जाना है, बस आपका सीवी तैयार हो जाएगा। तो एक तो हमने ये ले ली, अब मैं इसको यहां पे ब्रैकेट में डाल देता हूं, आप मत डालना, ये तो मैं समझा रहा हूं। ये मैंने क्वेश्चन में से लिया, एक मैंने ये क्वेश्चन में से लिया। अब बढ़ते हैं आगे, अब आपको एड्रेसिंग वर्ड देना है, जैसे सर, आप डियर सर भी लिख सकते हो, अगर अधिकारी मैडम है तो आप मैडम लिख सकते हो। उसके बाद में ये लैंग्वेज फिक्स है, इसमें बस एक जगह हमें पोस्ट ऑफ के आगे फिर से इंग्लिश टीचर लिखना है, जो ये लिख रहा, ये आपको रट लेनी है बस। सबसे टफ चीज यही है, टफ भी कुछ नहीं है, दो तीन लाइनें आप याद कर लेना। थोड़ा छोटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके साथ इसको जोड़ना था, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि जो वर्ड है, लेटर है, थोड़े छोटे हो, आप एडजस्ट कर लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सर दिस इज इन द रेफरेंस, यह संदर्भ में है, रेफरेंस करता है, यह संदर्भ में है। आप चाहो तो रेफरेंस की जगह रेस्पॉन्स भी कर सकते हो, रेस्पॉन्स करता होता है जवाब में, यह जवाब में है, संदर्भ में है। ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, आपके विज्ञापन के संदर्भ में, जवाब में, पब्लिश्ड, जो छपा था, प्रकाशित हुआ था, क्या आपका विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ था, कहाँ, इन द दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में। अब यहाँ पे आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम दे सकते हो, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी अखबार। ठीक है, डेटेड किस तारीख को, ऑन 25 मार्च 2022, 25 मार्च 2022 को। डेट में थोड़ी सावधानी बरतना, आप इस सीवी को, इस लेटर को कब लिख रहे हो, 30 मार्च 2022 को। तो ध्यान रखना, जो विज्ञापन है ना, जिस इस विज्ञप्ति के लिए, वो 5-7 दिन पहले आया होगा, तो इस डेट को, इस देखो इस वाली डेट को, इस डेट से 5-6 दिन पहले लिखना। तो मैंने यहां पे लिखा 25 मार्च 2022 को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 25 मार्च 2022 को दैनिक भास्कर में आपके विज्ञापन के, जो विज्ञापन छपा था उसके संदर्भ में, उसके जवाब में है ये, क्या, मेरा लेटर, मेरा सीवी, फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर के पद के लिए जो आपने डाला था। तो यहां पे पोस्ट ऑफ फिक्स है, आपको ये क्वेश्चन में से लेना है। ठीक है, तो एक इंग्लिश टीचर के पोस्ट के संदर्भ में जो आपने विज्ञापन डाला था उसके जवाब में है ये। आई वॉन्ट टू ऑफर माई सर्विसेज, मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूं। ध्यान रखना, यहां तक एक ही लाइन है, फुल स्टॉप पहली बार यहां लगाए, एक लंबी सी लाइन है। इसका एक साथ में पढ़ के बता दूं कि श्रीमान, यह है
आपके उस विज्ञापन के संदर्भ में है जो दैनिक भास्कर में 25 मार्च 2022 को एक इंग्लिश टीचर के पद के लिए छपा था, उसके जवाब में है ये। और उसके जवाब में, सॉरी, आई वांट टू ऑफर माय सर्विसेज, मैं अपनी सेवा देना चाहता हूं। अब देखिए, एक लाइन और बची है बस, इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, यदि मुझे अवसर दिया जाता है। आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी थोड़ा बड़ा है तो आप लिख दो चांस, इफ आई एम गिवन एन चांस। आपको लिख रहा है कि ये भी नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इफ यू गिव मी अ चांस, यदि आप मुझे एक चांस देते हो, आई विल प्रूव माई सिंसियरिटी, मैं अपनी कर्तव्य निष्ठा को सिद्ध करूंगा, मतलब मेरी कर्तव्य परायणता, मेरी ड्यूटी करने की जो लगन है, जो ईमानदारी है, उसको मैं सिद्ध करूंगा। माई सी वी इज हेयर विथ, मेरा सी वी यहाँ पे, कहाँ पे, अभी नीचे लिखेंगे ना, योर्स फेथफुल्ली, आपका विश्वास पात्र रोहित। अब नाम जो क्वेश्चन में दिया उसको ले लो, अगर कोई भी नाम नहीं दिया तो यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का लेटर हो गया, जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, वही फॉर्मेट है। तो ये हमारा जॉब एप्लीकेशन पूरा हो गया जो हमें सीवी से पहले लिखना होता है। अब हम इसके जस्ट बाद, देखिए जगह है क्या, जैसे आपका ये खत्म हुआ तो आप इस लाइन रोहित के से अगले लाइन में बीच में, बिल्कुल पेज के बीच में लिखोगे सीवी, क्या लिखोगे सीवी। अगर क्वेश्चन में आया कि रिज्यूम, तो आप लिखोगे यहाँ पे रिज्यूम, ठीक है, ये आपको लिख देना है। तो ये आपका फिक्स फॉर्मेट है, आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जहाँ जहाँ पे मैंने ब्रैकेट बनाए, यहाँ पे चेंज होंगे क्वेश्चन के आधार पर। ये अधिकारी वो आएगा जो क्वेश्चन पेपर में आएगा, और ये पद वो आएगा जो क्वेश्चन पेपर में आएगा। सपोज करो एक क्लर्क के लिए आया किसी कंपनी में, माना SBI में, तो यहाँ पर क्या आएगा, द मैनेजर SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो जहाँ पे ब्रांच है ना वो ब्रांच, द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये अब वहाँ पे क्लर्क है, एक क्लर्क के लिए, तो यहाँ पे पोस्ट क्या जाएगा, एक क्लर्क, ठीक है, एक क्लर्क हो गया। और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, एक क्लर्क। अब मैं क्लर्क क्यों लिख रहा हूँ, क्यों, क्लर्क यहाँ पे आया होगा, ठीक है, जो भी, जैसे माना एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आता है तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, और यहाँ पर जैसे मैनेजर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो भी है वो आपको लिख देना है। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने मूर्ख भी आप नहीं हो, आप फटाफट से इसको नोट कर लो। अब मैं सीवी शुरू कराता हूँ, जैसे ही अपना जॉब एप्लीकेशन खत्म होगा वहाँ से सीवी शुरू होगा, आपको बीच पेज में लिख देना है सीवी। और फिर सीवी बहुत सरल है, सीवी में तो कुछ याद नहीं करना, क्योंकि अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें। मेन चीज़ है आपको ये थोड़ी सी 2-3 लाइन है ना याद करनी पड़ेंगी, जहाँ पर मैंने ब्रैकेट बनाए वहाँ पर क्वेश्चन में से लेना है, ठीक है। अब इसको फटाफट से नोट कर लो। और भैया ये रहा आपका सीवी, जिसके पीछे इतना हल्ला मचता है, सीवी सीवी कितना टफ है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस सीवी को कोई भी बच्चा आसानी से लिख सकता है। सबसे पहले आपको हेडिंग में लिखना है सीवी, ठीक है। अगर रिज्यूम आया तो रिज्यूम लिख देना है। ये कहां लिखना है, जहां पे आपका जॉब एप्लीकेशन खत्म हुआ, लास्ट वाली लाइन योर्स फेथफुली, उसके जस्ट अगली लाइन में आपको सीवी हेडिंग में डाल देना है और ये लिख देना है। उसमें क्या होता है, अपनी डिटेल होती है, जैसे देखिए नेम रोहित, मैंने रोहित ही क्यों लिखा, क्योंकि यू आर रोहित पेपर में था ना, तो रोहित लिखा। अगर नहीं दिया तो कोई भी नाम लिख दो। उसके बाद फादर्स नेम ओम प्रकाश, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर 1995, ठीक है, 6 दिसंबर 1995, कोई भी लिख देना, अंदाजे से कम 25 के आसपास होनी चाहिए। इसके बाद आता है एड्रेस, यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हो, एड्रेस लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नमूना है, वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे आप एड्रेस वही लिखो जो आपने वहां पे जॉब एप्लीकेशन में लिखा था, 102 बनी पार्क जयपुर, ये पिन कोड नंबर है। उसके बाद में जेंडर, जेंडर में मेल, अगर कोई लड़की है तो फीमेल लिख देंगे। उसके बाद ईमेल एंड फोन, तो यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दो, जैसे रोहित की मैंने बना दी वैसे ही, rohit06@gmail.com। इसके अलावा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने 00 करके लिख दिया, मतलब एक सांकेतिक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दो। लेकिन हाँ, ऐसा मत करना, खुद का मोबाइल नंबर लिख के आ जाओ, और ताकि जो एग्जामिनर है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और पूछेगा, हे प्रभु आपको कितने नंबर चाहिए, ऐसे दया कोई नहीं दिखाता, इसलिए ऐसी बेवकूफियाँ मत करना। आप भी ऐसे सांकेतिक कुछ भी 1 2 3 4 5 6 लिख दो, या फिर ऐसे 00 करके बना देना। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, यहाँ पे सिंगल लिख सकते हो आप, सिंगल का मतलब है कि आप अविवाहित हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड लिख सकते हो, बाकी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक नमूना दिखा रहे हो कि मैं सीवी लिख रहा हूँ। उसके बाद में सबसे मेन चीज़ है क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस में आपकी शैक्षणिक गतिविधियाँ आ जाएंगी 10th से लेकर के अब तक। तो देखिए 2010 में आपके 85% बने थे BSER, BSER का मतलब है उस बोर्ड का शॉर्ट नेम लिख दो जहां से आपने 10th 12th आपकी एजुकेशन ली है। तो BSER का मतलब है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। अगर यूपी बोर्ड्स है तो यूपी बोर्ड लिख दो, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड लिख दो। उसके बाद में 12th
ठीक है। अभी आपने आर्ट से की तो आर्ट लिख दिया, साइंस से है तो साइंस लिख दो, कॉमर्स से है तो कॉमर्स लिख दो। अब ये दो साल बाद हुई तो 2012 में 80% BA CR, उसके बाद में BA तीन साल में होती है, तीन साल का कोर्स है तो 2015 हो गया, तीन साल का गैप दे दिया 72%, मतलब ये अंदाजे से कुछ भी लिख देना लेकिन ठीक ठाक लिखना। UOR मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इसके बाद MA, अब देखिए अब इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है तो MA इंग्लिश कोष्ठक में, मतलब MA आपने इंग्लिश से की और ये दो साल में होती है तो 2017 में हो गई 62% UR। उसके बाद में BEd, टीचर के लिए BEd करना जरूरी है तो 2018 में हो गई 68% UR। उसके बाद में मेन चीज़ है, मेन का सभी मेन है एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव दिखाना है, जैसा काम वैसा अनुभव, ऐसी जगह जैसे पहला। अब दो जगह इसने किया है तो टैगोर पब्लिक स्कूल, यानी अब तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए आ रहा है लेकिन प्राइवेट में दो जगह इसने पढ़ाया है, टैगोर पब्लिक स्कूल जयपुर, और कोष्ठक में लिख दिया 2 ईयर्स, मतलब वहाँ पे दो साल काम किया। और एक दूसरा लिख दिया बाल निकेतन स्कूल जयपुर 1 ईयर, ठीक है आपको दिख रहा होगा ये नीचे बाल निकेतन स्कूल जयपुर लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जगह खत्म हो गई, वरना इसको आप और भी सजा सकते हो, आप लिख सकते हो हॉबीज, जैसे यहाँ पे लिख दो अगला पॉइंट है एक्सपीरियंस के बाद हॉबीज, मतलब रुचियाँ क्या हैं। अब हॉबीज में आप लिख दो रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है हॉबीज लिख सकते हो, इस तरह से आपका CV हो गया। अब इसमें मेन बात क्या है, मेन बात दो ही है, एक तो देखो जब मैंने ये चीज़ें लिखी तो क्या इनको लिखना कठिन है, डिटेल लिखना कठिन है, मतलब पर्सनल डिटेल जैसे नाम फादर नेम ये एक बार में याद हो गया होगा, लेकिन ये जितना साफ सुंदर आपको यहाँ दिख रहा है ना इतना ही वहाँ पे लिख देना, मतलब साफ साफ लिखना, एक पेज तो लगभग लग ही जाएगा इसमें, एक पेज में साफ साफ होना चाहिए, ये जितना सुंदर और साफ है ना उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स है। इसमें डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी है जॉब एप्लीकेशन के फिक्स फॉर्मेट में, उसमें पेपर में से लेना पड़ता है और इफ़ यू गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी वाली ना वो दूध लाइन इन द रेफरेंस, वो आपको याद कर लेनी है, वो अगर आपको याद हो गई रट गई तो फिर आपको एक अच्छा CV लिखने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, जब तक मैं हूँ आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में से बस दो चीज लेनी है कि किसको लिखना है और पद क्या है। अच्छा अब सबसे मेन बात पे आ जाओ, एक तो हैंडराइटिंग वाली बात थी, सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, ये बात मुझे पहले थोड़ी बतानी चाहिए थी, बहुत से भाई तो छोड़ के चले गए होंगे वीडियो, उनको लगता है कि बस हो गया काम, लेकिन रुको मेन बात है यहाँ पे मेन बात क्या है, जैसा पद होगा जैसी पोस्ट होगा ना आपको वैसी यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखनी पड़ेगी। भाई देखो 10th और 12th ये तो सब में चलती है, लेकिन एक बात बताओ, माना कि वो मेल नर्स का आ गया, मेल नर्स मतलब कंपाउंडर के लिए, ठीक है नर्स दो तरह के होते हैं, मेल नर्स और फीमेल नर्स। अब नर्स का मतलब ऐसा समझना कि जो लड़की है बस वही नर्स होती है ना, नर्स मतलब एक तरह से सेवा करने वाला, अब वो पुरुष भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन नर्स, ठीक है तो मेल नर्स और फीमेल नर्स दो तरह से होते हैं, जो मतलब वहाँ पे कंपाउंडर है पुरुष है वो तो मेल नर्स कहलाएंगे और जो महिलाएं नर्स है वो फीमेल नर्स कहलाती हैं। तो माना मेल नर्स के लिए आया, तो देखिए यहाँ पे साइंस कर दो, ठीक है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर दो, तो बीएससी नर्सिंग लिख दी। उसके बाद में फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस में क्या लिखना है कि नहीं हॉस्पिटल्स का नाम लिखना है, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। जैसे माना कि आपको आया एक कंप्यूटर इंजीनियर के लिए या एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पे देखो 10th और 12th, ठीक है यहाँ पे आप कॉमर्स से कर सकते हो। उसके बाद में BCA MCA ये कंप्यूटर के डिप्लोमा होते हैं, सॉरी उनकी ग्रेजुएशन होती है, डिग्री होती है, और कोई स्पेशल आपने डिप्लोमा किया तो उसका भी जिक्र कर सकते हो। और फिर एक्सपीरियंस में स्कूल नहीं चलेंगी, यहाँ पर आपको किन्हीं कंपनीज का नाम लिखना पड़ेगा जहाँ पे आपने कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसा पद हो वैसी आपको ये डिग्री डिप्लोमा दिखानी पड़ेगी, 10th 12th सब में चलेगी, परसेंटेज ठीक ठाक दिखाना, मतलब यहाँ पे भी चेंज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे गोला कर दिया। मैं समझता हूँ कि इतने बुद्धू आप भी नहीं हो, आपको समझ में आ गया होगा। तो CV का जो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ था कि CV इतना बड़ा होता है, कुछ नहीं होता, खोदा पार निकले चलिए, बहुत ही सिंपल चीज है, इसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा शेयर करना, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ एक हॉबी जिसमें रह गया था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये इस तरह से लिखना है, बाकी आप यहाँ पे भी एक्सपीरियंस पे भी इसको क्लोज कर देते हो तो कोई खास बात नहीं है। और हाँ सबसे बड़ी बात, बहुत से बच्चे सर हमारे सर ने तो ऐसा लिखवाया था, सर उन्होंने तो सर एड्रेस ऊपर लिखवाया था, डेट ऑफ बर्थ नीचे लिखवाई थी, सर जेंडर तो सर उन्होंने नहीं लिखवाया था, सर ये मतलब ऐसा वैसा ये वो सर उन्होंने, हाँ इसको ब्रैकेट में भी लिखवाते हैं बहुत से टीचर, आप लिख दो, कोई बड़ी बात है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इसको अगर ब्रैकेट में करोगे तो और अच्छा लगेगा, ब्रैकेट में लिख दो क्वालिफिकेशंस को,
ठीक है, इनको और डैश बना के अच्छा से एक चार्ट सा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान मत हुआ करो, मतलब एक सीवी तुम्हारा बहुत बेहतर होगा। मेरा और तुम्हारे टीचर का सीवी एक मिल गया, तुम्हारी बुक का मेरा एक मिल गया, तो इससे कोई भूकंप आ जाएगा क्या? पूरी क्वालिफिकेशन इसी पर टिकी हुई है क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब है नॉलेज तो बहुत सारी चीज़ों में दिखाई जाती है। ये जो बड़े नंबर की चीज़ है ना, इनमें तो आपका कितना अच्छा फॉर्मेट है, हैंड राइटिंग कैसे, उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, काफ़ी बातें हो गई, इसको नोट कर लो, मैं चलता हूँ। ओके बाय।